हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है एनएसए अजीत डोवल टॉक्स विद इजराइल, एनएससी इजराइल कंप्लेन इंडिया व्हाई यू आर नॉट टेकिंग आवर हेल्प। तो ऐसा लग रहा है इजराइल जो है वो कंप्लेन कर रहा है इंडिया को कि आप हमारी मदद क्यों नहीं ले रहे हो। अरे ये तो बड़ी स्वीट बात है। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड हमारा दूसरा चैनल ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली वो न्यूज आ ही गई है जिस न्यूज का इंतजार हमारी टीम कर रही थी। दोस्तों, जब भी भारत की एक दो दो हाथ वाली सिचुएशन होती है चाइना और पाकिस्तान के साथ, तब भारत की सरकार इजराइल की मदद के रूप में एक देखती है। आपको याद ही होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक में किस तरीके से इजराइल के स्पाइस 2000 बम्बों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए थे, और उसी की कड़ी में अब एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर इजराइल से आ रही है। दोस्तों, हम बहुत हैरान हो रहे थे, हमारी टीम भी बहुत हैरान हो रही थी कि यहाँ पर हम लगातार एक के बाद एक फ्रांस से मदद की एक शोटी हासिल कर रहे हैं, रशिया भी मदद कर रहा है, जर्मनी भी मदद कर रहा है, और तो लगभग दुनिया के हर कोने से भारत के लिए मदद की एक आश्वासन आया है। लेकिन इजराइल की सरकार ने भारत के लिए कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की है कि हाँ हम आपके लिए मेडिकल ऑक्सीजन भेज रहे हैं या फिर कोई और जरूरत का सामान भेज रहे हैं। तो दोस्तों, आज भारत के एनएसए अजीत डोवाल जी ने अचानक से ही इजराइल में फोन किया है, और इस फोन कॉल के अंदर क्या बातचीत हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे, और इजराइल के मीडिया से भी खबरें आई हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भारत के अंदर एक इमरजेंसी तौर पर जो एक साजू सामान आया है और जो भारत के अंदर इमरजेंसी स्तर पर काम चल रहा है उसके बारे में छोटी सी अपडेट आपको दे देते हैं। दोस्तों, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के दहर नाम के इलाके की हैं। दोस्तों, ये जो प्लांट है ये ऑक्सीजन का प्लांट है। पिछले 3 सालों से ये प्लांट बिल्कुल बंद पड़ा था, लेकिन 150 से भी ज्यादा लोगों ने रात दिन काम करके इसे 4 दिनों के अंदर रीस्टार्ट कर दिया है, और यहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई फिर से शुरू होने वाली है। भारत के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बहुत से ऐसे प्लांट है जो बंद पड़े हुए हैं कई सालों से, उन्हें फिर से चालू करने का आदेश इमरजेंसी स्तर पर सरकार ने दे दिया है। इसी के अलावा यह थाईलैंड की तस्वीर है, इंडियन एयरफोर्स की टीम रात दिन एक कर टैंकर दुनिया के देशों से ला रही है। इसी के अलावा ये जो शिपमेंट के एक जो इमेजेस आप देख रहे हैं, ये शिपमेंट आई है 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूके ने भारत की सरकार को भेज दिए हैं। इसी के अलावा एक और बड़ी खुशी की खबर आपको दे रहे हैं कि रशिया ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को लेकर क्लियर कर दिया है पहला बैच, और पहला बैच आने वाला है 1 मई को जब भारत के 18 साल के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है। इसी के अलावा आखिरी खबर दे देते हैं, सेंटर ने कहा है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को अपनी जो COVID-19 की वैक्सीन है उसको वैक्सीन को लेकर स्टेट्स के लिए प्राइस कम करना चाहिए। हालांकि कोविशील्ड स्टेट्स के लिए 400 रुपए में मिल रही है और जो प्राइवेट एंटिटीज है उन्हें 600 रुपए में मिलेगी, बल्कि कोवैक्सीन की जो प्राइस है स्टेट्स के लिए 600 और 1200 रुपए है, जबकि ये एक भारत की स्वदेशी वैक्सीन है 100%, फिर भी ये रेट इतने हाई है। इसी के चलते सेंटर ने एक कहा है सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को की प्राइस कम करो यार। चलिए तो अब बात करते हैं असली खबर के ऊपर जो आ रही है इजराइल से। इजराइल का इंतजार था भारत के लोगों को कि कब इजराइल की सरकार हमें मदद करेगी, तो इसी के चलते भारत के एनएससी अजीत डोवाल जी ने इजराइल के एनएससी मेयर बिन शाबाद से बात की है। लेकिन आप कहेंगे कि इजराइल के एनएसए का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, भारत के एनएसए का भी कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है, ये बातें तो सीक्रेट होती हैं, आपको कहां से प्रूफ मिला है? तो दोस्तों, ये प्रूफ दिया गया है इजराइल के एंबेसडर जो कि भारत में है रोन मलक्का जी के द्वारा, और 3 घंटे पहले की ये खबर है जिसमें बताया गया है कि इजराइल के एनएससी ने बात की है भारत के एनएसए अजीत डोवाल से, और इसी के चलते बातचीत हुई है भारत जो COVID-19 के पेंडेमिक से लड़ रहा है, और इसी के चलते इजराइल भारत को कह रहा है कि आप बताइए आपको कौन सी मदद चाहिए, इस मुश्किल की घड़ी में इजराइल मदद आपको देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल की सरकार ने एक दिन पहले ही इजराइल को जो मुख्य अखबार है द टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने एक खबर लगाई थी और उसमें कहा था कि इजराइल कंसीडर कर रहा है कोई एड वायरस से लड़ने के लिए इंडिया को, लेकिन इंडिया की सरकार ने कोई भी ऑफिशियल तरीके से हमें अनाउंसमेंट नहीं किया है कि इजराइल की सरकार हमें यह मदद करे। लेकिन उन्होंने कहा कि अनऑफिशियल तरीके से भारत को मदद के लिए एक अनऑफिशियल रिक्वायरमेंट के चलते इजराइल को एक ऑफर किया गया है कि आप हमारी मदद कीजिए। वैसे दोस्तों, बात करें
भारत ने इसराइल को क्या मदद दी थी? तो जब इसराइल के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे, पूरा देश लॉकडाउन में था, तो भारत की सरकार ने 5 टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और क्लोरोक्वीन नाम की दवा को एक जो भेजा था इसराइल में भी। भारत के हेल्थ सिस्टम के अंदर जो एक पहले शुरुआती दौर में जब टेस्टिंग किट्स को लेकर एक काफी कमजोरियां देखी गई थी, टेस्टिंग किट कैसे बनती हैं और सभी बातों को देखकर इसराइल की टीम भारत में आई थी, भारत के हॉस्पिटलों का दौरा किया था और उन्होंने कोविड-19 की टेस्टिंग किट बनाने में भारत की मदद की थी। इस बारे में किसी को भी शक नहीं है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और इसराइल अगर टेक्नोलॉजी भारत को देता है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किस तरीके से बनाए जाते हैं इस बारे में भी भारत को तेजी मिल सकती है, बशर्ते भारत की सरकार यहां पर इसराइल से मदद मांगे। लेकिन इसराइल की ओर से अभी कोई भी बात सामने नहीं आई जिसके चलते यह कहा जाए कि भारत की सरकार ने ऑफिशियल तरीके से इसराइल को मदद मांगी है। हालांकि यह एनएसए स्तर की बातचीत हुई है, इसकी बातचीत को कोई भी इतना ज्यादा रिवील अभी तक भारत की सरकार ने नहीं किया है। इजरायली एम्बेसडर ने बातचीत को सामने रखा है, जरूर यहां पर जो बातचीत हुई है उसके ऊपर कहा जा सकता है कि कोविड-19 के पेंडेमिक को लेकर इसराइल भी बहुत जल्द मदद भेज सकता है। तो फ्रेंड्स, न्यूज तो अच्छी है, कमाल की है, पर मैं ये सोच रही थी कि हर जगह जहां से भी हमें हेल्प चाहिए अजीत डोवल जी को क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि उनका तो वो डिपार्टमेंट है नहीं, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ मिनिस्ट्री से बात करे, पर यहाँ पे तो कुछ और ही है कि आप एनएसए के जो है हेड उनको बोल रहे हो कि बात करने को। तो मुझे पता है उस दिन हमने कल किया था ना एक वीडियो जिसमें यही था कि अजीत डोवल जी हैं जो उन्होंने बात की है हम यूएसए के उनसे, तो तब मैं उसके बाद रिएक्शन करने के बाद कुछ किचन में कर रही थी, तब तो मैं इसी बारे में सोच रही थी कि भाई ये क्यों है। फिर मेरे को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, अब आप बताना कि बातचीत में ऐसी कोई डीलिंग्स हुई है जो डिफेंस से रिलेटेड है और उन डीलिंग्स के साथ बातचीत की गई कि अच्छा ये डीलिंग्स हम करेंगे या इस तरह से हम आपको हेल्प करेंगे, आप हमें इस तरह से हेल्प करो डिफेंस में या वेपनरी में, और उस टाइप का कुछ हुआ है और साथ में इस डील में आप हमें ये जो वैक्सीन्स या कोई चीजें हैं वो दो और हम आपको ये चीजें देंगे, इस टाइप से कुछ हुआ होगा दोनों कंट्रीज में। और इस केस में भी अजीत डोवल जी को कॉल करके उनसे बात कर रहे हैं, तो यही मुझे लगता है कि लॉन्ग रन में मेडिसिन के साथ साथ इस टाइप की मेडिकल के साथ साथ कोई डिफेंस की भी डील हो रही होगी। बताना क्या मैं ठीक हूं, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात आई थी, वो भी किचन के अंदर जब मैं कुछ करने गई थी, तो इतना मुझे हो रहा था क्यों 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 हेल्थ मिनिस्ट्रीज में से कोई हेड क्यों नहीं बात कर रहे, इस एरिया से, इस डिपार्टमेंट से क्यों हो रहा है। तो देखो आप बताओ कि आपके भी दिमाग में क्या ये बात आई थी, पर जो भी है ये सब जो हेल्प मिल रही है इंडिया को, ये इसलिए मिल रही है क्योंकि इंडिया ने इतना प्यारा जेस्चर किया था जब फर्स्ट वेव आई थी और इंडिया ने इतना कुछ फ्री भेजा था हर कंट्री को, तो अब उनके भी मॉरल ऑब्लिगेशन है कि अब इंडिया को अब इन नीड में हेल्प करें। पर मेरा तो बस एक यही विषय है कि इंडिया अब इसके बाद जब ये सब चीजें सेटल डाउन हो जाए तो इंडिया इतने हॉस्पिटल्स बना दे, इतने ऑक्सीजन के जो जेनरेटर, अब ऑक्सीजन प्लांट्स तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रही हूँ ऑक्सीजन जेनरेटर्स बना के हर हॉस्पिटल में लगा दे कि कल को कभी भी जरूरत पड़े तो हम इतने हेल्पलेस ना हो। राइट, तो अच्छा वीडियो था और इसमें ये बात सही है कि जहां पर भी अलायंसेस हो रही है, डिफेंस अलायंसेस है वो, तो जो भी कंट्री हेल्प कर रही है लॉन्ग टर्म सभी लोग जो हैं डिफेंस के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं। जैसे हमने फ्रांस का वीडियो देखा था कि फ्रांस हेल्प कर रहा है, उसी तरीके से इसराइल कह रहा है भाई हमसे क्यों नहीं हेल्प मांग रहे, तो बात क्या है। मेरे ख्याल से हर कंट्री कह रही है कि इंडिया को हम हेल्प करेंगे क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, रिटर्न इंडिया भी हम उनकी हेल्प करेगी, और सारे डिफेंस के हिसाब से हो रहा है कि आप हमारे एलआई बन जाइए, हम आपके एलआई हैं, आपकी जरूरत हो डिफेंस नीड तो डिफेंस नीड्स आप कवर करिए, आरएनडी करिए, इसरो बहुत अच्छे कार्य कर रहा है, इसरो के आप ज्वाइंट मिशंस करिए। तो मुझे लग रहा है कि सभी में मिस्टर डोवल क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी वाली बात आ रही है कि सभी लोग एलआईज की तरह देख रहे हैं कि हम तुम्हें हेल्प करेंगे अगर तुम हमारे एलआई हो, और डिफेंस में किस तरीके से कॉपरेशन होगा, मुझे तो ये लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आप अगर किसी से हेल्प लेते हैं तो आप में ऑब्लिगेशन आता है कि अब आप उसका एहसान करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, उसका फेवर रिटर्न करना पड़ेगा, किस तरीके से आप फेवर रिटर्न करेंगे क्या। तो मेरे ख्याल से यही मेन पॉइंट है और ये गुडविल है, जो भी हेल्प कर रहा है वो गुडविल में कर रहा है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी किसी दिन गुडविल करेंगे, यार आप जो है कर चुके हैं रिटर्न कर, या तो आप कर चुके हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं, या फिर ये कि आप फ्यूचर में और ट्रेड करेंगे, ट्रेड इंक्रीज करेंगे, बिजनेस इंक्रीज करेंगे,
डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेंगे, कुछ भी होगा, मतलब कोई इस टाइप की कोऑपरेशन, तो अच्छी बातें हैं। बट यही है कि जो भी कंट्री, जैसे हमारी कंट्री भी हेल्प ले रही है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि हमें हेल्प ना लेनी पड़े और सिर्फ लोगों को हेल्प दें। उससे मतलब पक्का हो जाएगा कि इंडिया सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि सुपर पावर को जरूरत नहीं पड़ती है हेल्प की, वो सिर्फ देता है। तो देखेंगे, मगर ये बहुत ही अच्छी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने हेल्प देने के लिए इंडिया को हेल्प दे रहे हैं, प्लस पूछ रहे हैं कि हमसे क्यों नहीं हेल्प ले रहे। तो ये भी अच्छी अच्छी बात है कि भाई हमसे, इतनी अच्छी बात है, कौन कहता है ऐसे कि हमसे क्यों नहीं आप मदद मांग, बाकियों से मांग रहे हो, हमसे क्यों नहीं मांग रहे हो, दैट इज वेरी स्वीट। क्योंकि वो यही होता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, है तो मुझसे क्यों नहीं मांग रहे, मैं तुम सब तुम्हारा बेस्ट दोस्त हूँ, तुमने मुझसे सबसे पहले आके मांगनी चाहिए थी, तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगी, जैसे दोस्तों में होता है। तो बहुत ही प्यारा वीडियो था। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।